आज अपन का दिल्ली का सफर स्टार्ट होता है अजय भैया के साथ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हो। मैं बहुत ज्यादा सही हूँ और आज का व्लॉग मैं ट्रेन की यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं सो के उठा और भाई इतना तगड़ा वाला नींद आया ना, इसलिए मतलब जैसे घर में रहते थे ना अपन, वैसी सेम वेदर था यहाँ अभी, क्योंकि टेम्परेचर। और अभी हम लोग जस्ट और आज का जो ये ब्लॉग होने वाला है ये पूरा दिल्ली का होने वाला है। दिल्ली में अपन कहाँ रुकेंगे मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अभी अपन लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर अपन चल रहे हैं। ट्रेन अपनी 2-3 मिनट लेट है, 2 या फिर 2.5 मिनट लेट है अपन। अभी तक अपन पहुँच गए रहते हैं। नो, हमारी ट्रेन थी वो ग्वालियर में रुकी थी। मैं बताया ना, ये ट्रेन हर जगह रुकते हुए जा रही है भाई, जहाँ पे सेंस नहीं बन रहा वहाँ पर भी रुक रही है। क्योंकि ये जो ट्रेन का स्टॉपेज है ना, बस 10 जगह स्टॉप होने का था, बट ये 40 से 50 जगह चल दी और रुक गई होगी पता है आराम से अभी तक के। और अपन को अभी तक के दिल्ली में होना था, बट अपन दिल्ली में नहीं है, हजरत निजामुद्दीन में नहीं है। अभी अपन लोग ग्वालियर जंक्शन, बहुत लेट चल रही है ट्रेन, बहुत लेट। अपन लोग पहुंच गए हजरत निजामुद्दीन दिल्ली, मतलब ये दो छोटा ही दिल्ली है। तो अपन बस खाली कर रहे हैं, पूरा बोगी खाली हो चुका है, बस निकल रहे हैं। यहाँ ट्रेन एंड होती है ना, और यहाँ पे मास्क भी पहन लिया अपन यहाँ पर। और तुम क्या, कैसे हो? दिल्ली में आया और पहली बार इग्नोर, दिल्ली में आके इग्नोर हो गए। कुली भैया से मैंने पूछा, लेकिन कुली भैया ने इग्नोर कर दिया। तब इसको लेकर भैया जी, तो फाइनली अपन लोग पहुंच गए दिल्ली। और अपन का यहाँ पे अराइविंग टाइम था सुबह 7:40 और ये अपन को पहुंचाई है 11:56 में। और अपन का पूरा ये सामान है लगेज भाई, अपना तो छोड़ो, अपना तो ना, अब मेरे को मोटिवेशन हो रहा है क्योंकि सामने वालों को देखो कितना सामान है। लोग भी ज्यादा है, ठीक है, लोग भी ज्यादा है भाई, तगड़ा बहुत सामान है। अपन एसी में थे, 25 डिग्री सेल्सियस में थे और अभी अपन यहां पे उतर गए, 41 में उतरे ना, 40-41 ही चल रहा है यहाँ पे भाई, इतना गर्म है, हालत खराब हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है फेस जल जाएगा, बहुत फेस जल जा रहा है भाई। अभी मेरे को ये टेंशन हो रहा है मेरे स्टोरेज का, मेरे बैटरी का और मेरे एडिटिंग का और मेरे नेट, क्योंकि यहाँ पे नेट रोमिंग में चल रहा है। आशी कैसा है, कैसी है, कैसा रहा एक्सपीरियंस ट्रेन का? तो अभी क्या सीन हुआ, अपन वहां से एलिवेटर से ऊपर चढ़े और फिर वहां से यहां से वापस आ गए अपन। बताना चाहिए वहां से चढ़े यहां से। भाई दिल्ली गोल है तगड़ा यार, मतलब अपन ना यहां अपन का ये वाला ट्रेन है, अपन वहां से ऊपर से चढ़े, अपन सोचे कि लिफ्ट है, लिफ्ट कहां पहुंचे देखो यार, ऊपर से चढ़े वापस यही पहुंचा दी। मौसी आप समझे क्या हुआ अपने साथ, प्रैंक हो गया अपन के साथ, कैमरा में हाय बोल दो सब लोग। ओ भाई दस रुपए मिले, 10 रुपए मेरे जेब से गिरा। लोगों का ये गलती हो गया कि ना अपन का ज्यादा सामान हो गया, मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया सामान, लेकिन ठीक है अपन हैंड टैकल कर ले रहे। अब अपन नीचे से ऊपर आ गए ना, तो अब हर जगह कर लेंगे अपन टैकल। ये भाई ये जो प्रैंक हुआ ना, ये खतरा वाला था ये। अपन जहां से चढ़े वहीं से उतर गए फिर दोबारा, सच में इतना लंबा लाइन खड़े थे चढ़ने। यहाँ का ये चीज खराब है कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, अपन वॉशरूम का ढूंढ रहे हैं लेकिन है नहीं यहाँ पे वॉशरूम। अब देखते हैं, अपन को लॉज लेना पड़ेगा और शाम पे 9 की अपन की बस है, तो फिर बस से अपन जाएंगे। भाई ये वाला जो एरिया है ना, ये ऊपर वाला बहुत तगड़ा लग रहा है एकदम, मतलब कि ना नेचुरल एयर लाइट आ रहा है, तो उसमें ना यहाँ पे लाइट का भी जरूरत नहीं है। अभी अपन लोग यहाँ पे बात हो रहे हैं कुछ कैब ड्राइवर से, अभी अपन देख रहे हैं बस कि कहाँ जाने का है, कौन सा लॉज बुक करने का है। तो अभी अपन का कुछ प्लान हो रहा है कि ना, ये दीदी मैं और भैया, और ये भैया अपन को घुमाएंगे, भैया अपन को
कुछ कुछ 5-6 जगह घुमाएंगे अपन को। मैडम जहाँ बोलेंगी वहाँ मैं गाड़ी ले जाऊँगा। अच्छा अच्छा सही ना भैया, अपन रेड फोर्ट नहीं जा पाएंगे ना क्योंकि बहुत बड़ा वहाँ है। ये लोटस टेम्पल और ये बिरला मंदिर, हाँ ये इंडिया गेट, 6 जगह प्लान हुए हैं और भैया पूरा घुमाएंगे अपन को। तो अब देखते हैं क्या सीन होता है। सबसे पहले अपन को चाहिए रिजॉर्ट या फिर लॉज जहाँ पे अपन ना वेट करके आराम से फ्रेश हो सके। भाई अब ऐसे थोड़ी ना घूमेंगे ये कपड़े में, इसको अपन कल से पहने। तो भाई ये है पूरा दिल्ली हजरत निजामुद्दीन का स्टेशन। और भाई गर्मी अगर आप पूछोगे ना तावड़ तोड़ हो रखी है, क्योंकि अपन पिछले ना 24 घंटे से ट्रेन में ही थे और एसी में थे अपन लोग, थर्ड एसी में। तो बस वेट कर रहे हैं, अपन की टैक्सी आ रही है जिससे अपन का बात हुआ है। तो बस आएंगे अब यहाँ से जाएंगे। सबसे पहले तो अपन को कोई रेस्टरूम चाहिए, जो भैया बोल रहे गवर्नमेंट के, वहाँ पे जाके अपन लोग रेस्ट हो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। अब वो आएगा बंदा अपन को लेकर जाएगा, 2500 में बात हुआ अपन का। अपन सावड़ तोड़ बार्गेनिंग करें, नहीं एक्चुअली में ना 3000 का सीन था, लेकिन अपन बार्गेनिंग करके उसको 2500 बोले। अभी भाई क्या सीन हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अपन का जो बात किया था ना बंदा, अपन का जिससे बात हुआ था, वो अपन को नहीं लेने के जा रहे, ये वाले भैया आ गए लेने के लिए। रुक जाओ, वो वाला गाड़ी वहाँ पे खड़ा किया। गाड़ी का कौन सा भैया? जरूर भाई, ये तगड़ा सीन है। मतलब यहाँ पे ना ग्रुप है पूरा, मौसा पता है ग्रुप है इन लोगों का पूरा, 8-10 लोग का, जो मतलब कि एक का गाड़ी भर रहा है तो दूसरे को भेज रहे हैं, तीसरे का गाड़ी भर रहा है ऐसा। क्योंकि मेरे को लगा कि ना जो जिससे अपन का बात हुआ वो वाला नहीं लेके आया, आप लोग को ये वाला लेके आ रहे हैं। फिर मैं बोला भाई ये क्या है, इसलिए मैं चिल्लाया कसके कि रुको भाई यहाँ पे बन जाओ दिल्ली वाले। ठीक है गाड़ी लेकर आ गए भैया, ठीक है ना, सामान भी आ जाएगा मौसी आराम से, बड़ा गाड़ी है वो। ओ भाई अजीब यार है अपन, भाई क्या तगड़ा भागते हुए गए भाई बंदे। भैया जितने में बात हुए उतने में ही ना जी भैया। मालिक शाम को तुम खुशी से अपने आप दे देना यार, कैसी गाल कर दे भैया। अपन घूमेंगे, आप YouTube पे भी आ रहे हो भैया, सब आपके भैया मैं आपका नंबर भी दे दूंगा पता है। यस यस, आप लोग अपने आप को देखोगे कल व्लॉग में। आशी बैठ, अरे मौसी आप लोग बैठ भी गए। तो चलो गाइस आज अपन का दिल्ली का सफर स्टार्ट होता है अजय भैया के साथ, अजय भैया की गाड़ी में। और मैं इनका ना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग हजरत निजामुद्दीन से उतरोगे ना तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो भैया को आया कॉल करके। उम्र की हाँ खा ली। भाई 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 दिल्ली का ड्राइविंग दिल्ली इतनी गर्म है और मेरा फोन भी बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। तो अभी अपन को ना अजय भैया एक रेस्ट रूम पे लेके आए हैं। अपन बोले भैया होटल होटल मत दिलाओ यार, ऐसी कोई ये फ्री का है ना भैया, फ्री का कि इसका कुछ चार्ज है यहाँ पे, चार्ज हाँ यहाँ का कुछ चार्ज है तो वो दे देंगे अपन। और अभी अपन आए पीएमओ से, पीएम को मतलब जो वो है ना पीएम का घर, वहाँ से आए ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी देखे। और भाई एक से एक जगह है भाई, यहाँ पे आते आते ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने मिली। और महल भी देखे अपन, महल मतलब कि कुछ किला वैसा टाइप। ये है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी और फिर वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी, ऐसे लाइन से कुछ एम्बेसी वाला इलाका है ये पूरा। तो अभी अपन लोग नहा भी लिए। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग, थैंक यू सो मच वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आप लोग से कल नए ब्लॉग में, आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अपन दिल्ली में तो पहुंच चुके हैं, हजरत निजामुद्दीन से पहुंचने उतरे थे और यहाँ पर अभी अपन आए निशुल्क वाले में। बट यहाँ पर ना भैया 40 रुपये मांग रहे हैं, तो अपन दे रहे 40 रुपये दिल से कि भाई अच्छा है, अच्छा था, मतलब कि ना हर चीज़ सही था, पानी भी क्लीन था, हर चीज़ साफ सफाई भी था। तो बाय बाय, टेक केयर, मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में। अभी मेरे को एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, तो मेरे को नहीं पता मैं एडिटिंग कब कर पाऊंगा। तो सिया।